मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा अत्यंत सुंदर थी। उससे विवाह करने के लिए अनेक वीर राजकुमार उत्सुक थे। जयपुर और जोधपुर के नरेशों ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। मेवाड़ के महाराणा ने सब बातों को विचार करके जोधपुर नरेश के यहाँ अपनी पुत्री की सगाई भेजी। जब जयपुर के नरेश को इस बात का पता लगा कि मेवाड़ के महाराणा ने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है और अपनी पुत्री का विवाह जोधपुर कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। वे चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। जोधपुर नरेश इस बात को कैसे सहन कर सकते थे कि उनके सगाई करने के कारण कोई चित्तौड़ पर आक्रमण करे। फल ये हुआ कि पहले जयपुर और जोधपुर के नरेशों में ही ठन गई। दोनों ओर की राजपूत सैनिक युद्ध करने लगे। जोधपुर की सेना हार गई, जयपुर नरेश विजयी हो गए। अब उन्होंने मेवाड़ नरेश के पास संदेश भेजा कि वे अपनी पुत्री कृष्णा का विवाह उनसे कर दें। मेवाड़ के महाराणा ने उत्तर दिया, मेरी पुत्री कोई भेड़ बकरी नहीं है कि लाठी चलाने वालों में जो जीते वही उसे हांक ले जाए। मैं उसके भले बुरे का विचार करके ही उसका विवाह करूंगा। जब ये समाचार जयपुर पहुंचा तो वहां की सेना ने कूच कर दिया। जयपुर नरेश ने मेवाड़ के पास पड़ाव डाल दिया और महाराणा को धमकी दी कि कृष्णा अब मेवाड़ में नहीं रह सकती, या तो उसे मेरी रानी होकर जयपुर चलना होगा या मेरे सामने से उसकी लाश ही निकलेगी। महाराणा भीम सिंह बड़ी चिंता में पड़ गए। मेवाड़ की छोटी सी सेना जयपुर नरेश का युद्ध में सामना नहीं कर सकती थी। इस प्रकार की धमकी पर पुत्री को दे देना तो देश के लिए पराजय से भी बड़ा अपमान था। अंत में उन्होंने जयपुर नरेश की बात पकड़ ली, कृष्णा की लाश ही निकलेगी। चित्तौड़ की सम्मान की रक्षा का एक ही उपाय था, कृष्णा की मृत्यु। उस सुंदर सुकुमारी राजकुमारी को मारेगा कौन? महाराणा की आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। महारानी के दुख का कोई पार नहीं था, लेकिन कृष्णा ने यह सब सुना तो वह इतनी प्रसन्न हुई कि मानो उसे कोई बहुत बड़ा उपहार मिल गया हो। उसने कहा, माँ तुम शत्राणी होकर रोती हो, अपने देश के सम्मान के लिए मर जाने से अच्छी बात और क्या हो सकती है। माँ तुम्ही तो बार बार मुझसे कहा करती थी कि देश के लिए मर जाने वाला धन्य है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। उस वीर बालिका ने अपने पिता महाराणा से कहा, पिताजी आप राजपूत हैं, पुरुष हैं, फिर भी रोते हैं। चित्तौड़ के सम्मान की रक्षा के लिए तो मैं सौ सौ जन्म लेकर बार बार मरने को तैयार हूँ, मुझे एक प्याला विष दे दीजिए। कृष्णा को विष का प्याला दिया गया, वह गटागट पी गई। जब कृष्णा की लाश निकली, उस देश पर बलिदान होने वाली बालिका के लिए जयपुर नरेश ने भी हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उनकी आंखों से भी आंसू टपकने लगे। धन्य। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।